हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इंडी डिलिश। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबुत उड़द दाल की एक रेसिपी। वैसे इसे कई नामों से जाना जाता है, माँ की दाल, काले उड़द की दाल, काली दाल। वैसे दोस्तों, नाम में क्या ही रखा है, मेथड सभी का सेम है और टेस्ट में एकदम लाजवाब। दाल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि हमें उड़द दाल को कम से कम 8 से 10 घंटे या फिर ओवरनाइट पानी में अच्छी तरह से भिगो के रखना है। फिर हमें उड़द दाल को प्रेशर कुक कर लेना है। मैंने 6 से 8 सीटी होने तक इसे पकने दिया, फिर गैस को बंद कर दिया। मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द दाल के लिए 4 से 5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। प्रेशर कुक करते समय चुटकी भर हल्दी और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कम से कम 6 से 8 सीटी होने तक हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। प्रेशर एक बार ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाए, उसके बाद ही हमें कुकर को ओपन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा पानी गल चुका है, दाल भी अच्छी तरह से पक गए हैं। दाल को अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो हल्के हाथों से ये मैश हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि हमारी दाल जो है अच्छी तरह से पक गई है। अब एक कढ़ाई लें और उसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड करें। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड कर देंगे। फिर इसमें 1 मीडियम साइज़ प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर दें। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ टमाटर चॉप करके ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद हम मसालों को ऐड करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इन चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को ऐड करने के बाद याद रहें कि गैस के फ्लेम को धीमे आंच पर करना है, वरना मसाले जल सकते हैं। और मसालों को अच्छी तरह से पकाने के लिए इसमें पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। पानी ऐड करने के बाद धीमे आंच पर हम 5 से 6 मिनट तक टमाटर को मसालों के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर हम इसमें मैश किया हुआ उड़द दाल को ऐड कर देंगे। दाल को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिला लें और आपको जैसे कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर दाल को 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इसे लिड लगा कर भी पका सकते हैं। दाल अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद इसमें हम कुछ कटे हुए धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फ्रेंड्स, अब आप गैस को बंद कर सकते हैं। काली दाल बनके बिल्कुल तैयार है। दाल को आप चाहे तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर आप उसमें एक स्पेशल तड़का लगा सकते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तेल का इस्तेमाल किया है, उसमें 1 टीस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स और उसमें कुछ लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और कुछ कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर देना है। इसे आप धीमे आंच पर 15 से 20 सेकंड तक भून लीजिएगा। दोस्तों, मैं तड़के में हींग को ऐड करना भूल गई थी। आप प्लीज़ हींग भी ऐड कीजिए, उससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस तड़के को इसी तरह से दाल पर ऐड कर दें। और ये रही दोस्तों हमारी माँ की दाल या फिर काली दाल बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल या फिर फुल्का, रोटी या फिर नान के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।